दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि क्या आपको Redmi 13C लेना चाहिए या नहीं। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं बाय हट्टू चैनल, मेरा नाम है फरहान। अब जल्दी से हम लोग थोड़ा सा मोबाइल की स्पेसिफिकेशन बढ़ते हैं, फिर आपको मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं। डिस्प्ले आपको 6.74 इंच का मिलता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले के ऊपर आपको नॉच मिलता है, तो डिस्प्ले आपको काफी अच्छा मिला है इसमें। मैंने जितना मल्टीमीडिया ट्राई किया काफी ज्यादा अच्छा चलता है। मतलब अगर कोई वीडियो देख रहे हो आप यूट्यूब पे HDR पे भी, तो भी काफी ज्यादा रिफाइंड लुक आता है। बैक में आपको जो है प्लास्टिक मिलता है, साइड में जो प्लास्टिक और फाइबर का मिक्सचर है, और इसका जो ग्रीन कलर है वो अपने प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। और इसका जो डिस्प्ले है वो TUV सर्टिफाइड भी है, तो आंखों को कम स्ट्रेन मिलेगा इससे। कैमरे की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, एक कैमरा 8 मेगापिक्सल और एक 2 मेगापिक्सल का है। जितने मैंने फोटो वीडियो निकाले इंडोर आउटडोर में काफी अच्छे हैं, मुझे कैमरे से कोई भी कंप्लेन नहीं है। प्रोसेसर की बात करूं तो मीडियाटेक का हीलियो G85 है, जो कि काफी अच्छा है इस प्राइस में। आराम से आप गेमिंग कर लोगे स्मूथ पे, एक्सट्रीम पे, पबजी में, और HD पे हाई चलेगी ग्राफिक सेटिंग। बैटरी की बात करूं तो 5000 mAh की बैटरी है, एक दिन आराम से चला देगा। और अगर चार्ज करना हो तो 80 वॉट का फास्ट चार्जर है, और उसके साथ साथ ये चार्जर जो है PD चार्जर है, जिसे क्या होता है दोस्तों 80% चार्ज होता है, उसके बाद जो है आपके यूजेस के हिसाब से फिर ये चार्ज करेगा आपका फोन। दोस्तों एक चीज इसमें मिलती है जो अभी लुप्त हो गई है एकदम मार्केट से, 3.5 mm का हेडफोन जैक, जो कि काफी रेयर है आजकल, तो ये भी काफी चीज अच्छी लगी। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कि आपको ये फोन लेना चाहिए अंडर 10,000, तो डेफिनेटली आप बंद करके ले सकते हो। काफी अच्छा फोन निकल गया है। रेडमी ने एक और फोन निकाला था रेडमी 12, जो कि उतना ज्यादा अच्छा नहीं मुझे लगा, बट ये फोन जो है काफी ज्यादा अच्छा है। तो अंडर 10,000 आराम से आप ले सकते हो इसको, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चाहे वो कैमरा हो, बैटरी हो, परफॉर्मेंस हो, सब में इसने अच्छा काम किया है।